हाँ मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी, सब रेडी कर लिया। ठीक है। क्या ये वही कंपाउंड है? हाँ ये अभी मायामी से आया है। हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये तो कमाल का है, हम फाइनली अब इसके रिजल्ट्स देख पाएंगे। अगर ना देख पाए तो? क्या ना देख पाए? देख नहीं पाए तो रिजल्ट्स? एग्जैक्टली हमारे पास कितना टाइम है? 7 मिनट। ठीक है तो मैं शुरू करती हूँ। ध्यान रहे, अगर हम ये नहीं कर पाए तो हमें एक और साल रुकना पड़ेगा। देखते हैं। तुम रेडी हो? आई होप हम कामयाब हों। हम कामयाब हो गए। जानती हूँ। ये तो कमाल हो गया। कुछ लेकर आओ। क्या? कुछ भी। ठीक है। इनविजिबल हो गया। मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी। हाँ हमने कर दिखा। क्या मैं मीडिया को कॉल करूं? मजाक कर रही हो? ये सही वक्त नहीं है। okay. इसे छुपा दो। डॉक्टर समर्स बोल रही हूँ, क्या एडमिरल शॉकर है? एडमिरल डॉक्टर समर्स, हमने कर दिखाया। मैंने उस इक्विपमेंट को तुम्हारे घर पर रख दिया है। बेल्चो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर ये जगह कितनी सुंदर है। इस गलत फहमी में मत रहना, चोरी कहीं भी हो सकती है दोस्त। यहाँ भी? हाँ यहाँ भी। वो नकली नोट्स बनाती है और कीमती खिलौने भी। इस दुनिया में न जाने क्या हो रहा है। क्या तुमने कभी एक्सक्यूज मी बोलना नहीं सीखा? मैं दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहता हूँ बेल्चो। हाँ, ताकि इस नाम को कभी कोई भूल ना पाए। मुझे तुम्हारा वो वाला किस्सा याद आया। प्लीज अब मुझे वो बात याद मत दिलाओ यार। वो मजाक था। वो किस्सा मजाक नहीं था। वो मजाक ही था। अब मैंने तुमसे क्या कहा? मुझे उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है। किस बारे में? क्या हुआ? तुम्हें यहाँ कुछ गलत नहीं दिख रहा? मुझे नहीं पता, आप ही बताओ। काउंटर पर देख कर बताओ। ये तो डिशेज हैं। हाँ, जिसमें तुमने ब्रेकफास्ट किया था, तुमने खाया, तुम स्कूल गए, स्कूल के बाद तुम खेलने चले गए और अब दोपहर के 4 बज रहे हैं। तो आपके मुताबिक मुझे इसे उठाकर रख देना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें जिम्मेदार बनने की जरूरत है, पर अफसोस की बात है कि तुम नहीं हो। हाँ तो मैं ये करना भूल गया, उसमें क्या है? तुम अपना बेड नहीं बनाते हो, अपने कपड़े नहीं उठाते हो और आज तुम्हारे डैड तुम्हारी बाइक से टकरा गए। अच्छा तो आप मुझे ताने मार रही हैं, राइट मॉम? रे मुझसे जबान मत लड़ाओ। पर मैं 12 साल का हूँ, मैं जो चाहूँ बोल सकता हूँ। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, इसलिए ऐसा मत करो। कम ऑन अपना बैग रखो, हम ये डिशेस साफ करेंगे। असल में तुम ये करोगे और मैं तुम्हें ये करना सिखाऊंगी। जब काम करो मुस्कुराते हुए करो। ये हुई ना बात। यहाँ रह गया है। कहाँ है? ठीक से साफ करो। ठीक है ठीक है। हे डियर,
तुम कैसी हो? गुड। ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? पता है बच्चों से काम करवाना गुनाह है। बहुत दिनों से गैराज की भी सफाई नहीं हुई है। ओहो डैड, क्या आप देख नहीं सकते मैं कितना थक गया हूँ? मेरा बेटा जिम्मेदार हो गया। आप सच में बहुत अच्छे डैड हैं। मस्केबाजी छोड़ो और काम पे लग जाओ। क्या कर रहे हो? घास काट रहा हूँ। ये कब से शुरू किया? मॉम ने पनिशमेंट दी है। क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं। तो बाद में क्या कर रहे हो? मैं बहुत थक गया हूँ, शायद थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगा। मॉम और डैड मुझे जिम्मेदार नहीं समझते। क्या वो लॉन मूवर ऑन है? हाँ। थैंक्स। हे, क्या आज रात तुम हमारे साथ जासूसी करना पसंद करोगी? बेल्चर भी आ रहा है। मतलब तुम सब पढ़ाकू? नहीं, मुझे नहीं लगता। तुम लोग जासूसी क्यों करते हो, वो भी फ्राइडे नाइट को? देखो मैं कह रहा हूँ कि हमारा इलाका बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हाँ, सब जासूसी करते हैं ना? जो भी है। ठीक है, तो मिस्टर फ्रेंजोनी ठीक 8:30 बजे अपने घर से निकलते हैं। शायद वो अपनी माफिया मीटिंग के लिए जा रहे हैं। बेल्चो, हम ये नहीं जानते कि वो माफिया में है या नहीं। हम उनके इटालियन सरनेम के कारण उन्हें दोष नहीं दे सकते, पर ये सच भी हो सकता है। कहीं घर में उन्होंने बॉडी तो नहीं छुपा रखी है? नहीं। देखो बेल्चो, बॉस कभी ऐसा काम खुद नहीं करते। यानी कोई है जो उसके लिए ये काम करता हो? हो सकता है, उसके पास मर्सिडीज है, पर कोई डेड बॉडी को ऐसी आलीशान कार में रखेगा? नहीं। वही तो इसका मतलब है वो लोग तुम्हारी मॉम जैसी मिनी वैन यूज करते होंगे। उसमें से बदबू आती है। चलो कुछ और देखते हैं बेल्चो। इस वक्त मिस्टर डन कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, तो मिस्टर डन काम पर जाने के लिए निकल गए हैं। एक टेररिस्ट। हाँ। मैं कह रहा हूँ रे, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। हमें सावधान रहना होगा, ये बहुत ही खतरनाक जगह है। मुझे उस आदमी पर शक हो रहा है बेल्चो। मुझे तो लगता है वो गुड़ियों के साथ खेलता है। गुड़ियों के साथ? सच में? हाँ, शायद वो डॉल्स को फायर क्रैकर से जला देता है। ये तो बस शुरुआत है, पर इसके बाद वो एक बहुत ही बड़ा हमला करता है मैनिक्विंस पर। कितना बेरहम है ये। क्या तुम हैरी को मेरे पैनकेक्स खिला रहे हो? दरअसल उसे सिर्फ एक ही दिया है, या फिर साथ। ये क्लाउन शूज तो कमाल के हैं। ये क्लाउन शूज नहीं है, भूलो मत कि मैं लॉस एंजलिस का एक फेमस शू डिजाइनर हूँ। ऑफ कोर्स मुझे याद है, मुझे तुम पर नाज है डियर। ये भी याद दिला दूं कि ये घर भी मैंने ही बनाया है। हाँ, शाम को मैं तुम्हारे साथ चलूँ। थैंक यू, मैं देखता हूँ। इस वक्त कौन आया? देखता हूँ। ओ हेलो मिसेस डन। डायन, जरा यहाँ आओगी प्लीज। ओ नो बेल्चो, क्या लगता है तुम्हें? वापस आओ बुजदिल कहीं के। व्हूप्स, ये क्या है डैड? ये एक लिसनिंग डिवाइस है। सच में? हाँ, ये मिसेस डन को उनके घर पर मिला। तो शायद मिस्टर डन उन पर भरोसा नहीं करते। रे, तुम पड़ोसियों के घर पर जासूसी नहीं कर सकते। मैं बस अपने पड़ोसियों को बचा रहा हूँ। किससे बचा रहे हो? मिस्टर फ्रेंजोनी।
क्या किया उसने? उन्होंने कुछ किया नहीं, पर मुझे शक है कि वो एक गैंगस्टर है। सच में? वो रात को घर से निकलते हैं और गैंगस्टर्स भी रात को ही घर से निकलते हैं। पुलिस भी तो नाइट शिफ्ट करती है मिस्टर रे। पुलिस? हाँ, वो एक पुलिस डिटेक्टिव है। ओ, मुझे नहीं पता था। देखो, मैं तुम्हारी हरकतों से बहुत तंग आ चुकी हूँ, समझ रहे हो ना? ये बहुत ही शर्मनाक। इल्लीगल भी? हाँ, इल्लीगल भी है। शुक्र करो मिसेस डन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब जाकर मेरा रूम साफ करो और ये काम ध्यान से करना। कलर सीक्वेंस में अरेंज करना, ब्लू टू रेड, लेफ्ट टू राइट। और हाँ, ये डिटेक्टिव गिरी बंद करो, समझे? हाय मामा, मैं हूँ। सॉरी, हाँ मैंने आपका कॉल मिस कर दिया था। वैसे पापा कैसे हैं? उनकी तबीयत में कोई सुधार हुआ? यस यस यस। हाय, हाँ मम्मी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ सच कह रहा हूँ, मैं भी घर आ रहा हूँ बहुत जल्दी। वैसे मेरी बकरी कैसी है? हाँ, उसे मेरा बहुत प्यार देना मम्मी, है ना? हाँ, मुझे आपके हाथ के बने पकोड़े बहुत याद आ रहे हैं। यस। अब देखते हैं, 12, 34, 56, 78। परफेक्ट। क्या बात है, मेरे पास आ जाओ। तुम तो जीनियस हो कृपनो। आखिर मुझे मिल गया। जरा देखो कितना सुंदर है ये। वाह। काम बन गया। मैं माला माल बन जाऊंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, अमीर 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 अमीर। ओ क्रैपनर, तुम तो जीनियस हो। मिस मेंडेस अब मेरे साथ डेट पर जरूर आएगी। मैं तो वाकई में बहुत अमीर बनने वाला हूँ, एक राजा की तरह। मैं बहुत खुश हूँ। जरा देखो इसे, जरा गौर से देखो, ये तो वाकई कमाल का है। ओके, मुझे रियलिटी शोज बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज चैनल चेंज करो बेल्चर। प्लीज बेल्चर, सिर्फ वो लोग ये शोज देखते हैं जो लोग निकम्मे होते हैं, समझ गए? तुम्हारा मतलब मैं निकम्मा हूँ? हाँ। चलो दोस्तों, मुझे कुछ मजेदार करना है। मतलब मॉल जाना है? हाँ, एक मॉल जहाँ सब परफेक्ट होता है और मैं वहाँ कभी निराश नहीं होती। तो लूसी, तुम्हें लड़कियों के साथ मॉल जाना चाहिए। क्योंकि लड़कियाँ मुझे इरिटेटिंग लगती हैं। देखो, तुम लड़के हो और मैं भी टॉम बॉयश हूँ, तो मुझे तुम लोगों के साथ अच्छा लगता है। मैं तो आ जाऊँगा, पर इससे पूछे ये आएगा क्या? रे, मेरी मॉम मुझे परमिशन नहीं देंगी। क्या वो कार में नहीं वेट कर सकती? नहीं, बेकार आइडिया है। बेकार क्या है? क्या आप आपके बेटे को उसके फ्रेंड्स के साथ मॉल नहीं जाने देंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो गैर जिम्मेदार है। मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ मॉम। रे, पड़ोसियों की जासूसी करना क्या वो गैर जिम्मेदार होना नहीं है? अगर मैंने एक टेररिस्ट को पकड़ा होता तो आप ऐसा नहीं कहते। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग तुम पर एक्शन लेने ही वाले थे। मॉम, मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ। सच में रे, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। मुझे बस एक मौका चाहिए।
मौका चाहिए? हाँ, और मैं साबित कर दूंगा मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। तुम्हारे डैड और मैं आज शाम को बाहर जा रहे हैं एक शू कन्वेंशन देखने के लिए। हैरी को डॉक्टर को दिखाना है और अगर कोई प्रॉब्लम ना निकली तो तुम अपने दोस्तों के साथ मॉल जा सकते हो। बस इतनी सी बात। मैं ये कर सकता हूँ, डॉक्टर न्यूटन्स का क्लिनिक पास में ही तो है। ठीक है, ये काम करके दिखाओ। बिल्कुल करूँगा मॉम। इसने मुझे निकम्मा कहा। इसे क्या हुआ? ये कैसे हो गया? डॉक्टर समर्स, यहाँ चोरी हुई है। मैं हूँ स्पेशल एजेंट और मैं हूँ स्पेशल एजेंट फॉक्स। मैं हूँ डॉक्टर समर्स और इसका नाम जानना जरूरी नहीं। तो यहाँ पर एक चोरी हुई? हाँ, हमारा एक बहुत ही खास एक्सपेरिमेंट चोरी हो गया है। उसे नेवी के लिए बनाया गया था। और वो क्या था? वो नहीं बता सकती। हमें तो बताना ही होगा डॉक्टर, वरना हम कैसे बताएंगे कि उस चीज को किसने चुराया है? आपका क्लियरेंस लेवल क्या है? A1। लेवल B3 पर रुको, तुम हायर लेवल पर कैसे जा सकते हो? शायद इसलिए क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ओ, कभी खुद को आईने में देखा है? हमेशा ऑफिस में मुंह फुलाए रहता हूँ। अपने काम से काम रखता हूँ। तो क्या मैं काम नहीं करता? काम करने में भी स्टाइल होना चाहिए। मैं कंप्लेंट दर्ज करूँ? पता है क्या, मैं अपने एसोसिएट डायरेक्टर को रोज सुबह सुबह कॉफी पिलाता हूँ और ये भी जानता हूँ कि उसे कितनी चीनी पसंद है, इसलिए मैं A1 पर हूँ और ये अब तक B3 पर ही है। ओके, क्या हम अब मुद्दे पर आ सकते हैं? यहाँ बड़ी चोरी हुई है। हाँ, मुद्दे से तो तुमने भटकाया था, बताओ चोरी क्या हुआ है? इन्हें दिखाओ, जल्दी करो। ये क्या है? एक बॉल जिस पर आई शील्ड 2040 लगाई। आई शील्ड 2040? ये इनविजिबल होने वाला फॉर्मूला है, आई शील्ड के केमिकल्स को बदल देता है जिससे हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। ये लो। ज्यादा तो नहीं लगी। तुमने ऐसा क्यों किया? हमें उसे बनाने में पूरा एक साल लगा और अब वो चोरी हो गया है। वो नहीं है, चोरी हुआ है। खतरनाक है। कोई भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। बैंक लूट सकता है, आर्मी पर अटैक कर सकता है, व्हाइट हाउस में घुस सकता है, लड़की के रूम में भी घुस सकता है। क्या मेरा मतलब ये हो सकता है अगर कोई ऐसा करना चाहे तो? हालांकि और भी कई किस्से हो सकते हैं, लड़के कुछ भी कर सकते हैं। क्या वो अटैक है? देखिए, बात नेशनल सिक्योरिटी की है। किसी भी हाल में उस कंपाउंड को ढूंढना जरूरी है, वो गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे देखा जाए तो कंपाउंड ऑलरेडी गलत हाथों में जा चुका है ना? वैसे हमें कुछ करना होगा। ओके, मिलते हैं। बाय गाइस। नाक के लिए सॉरी। ठीक है, लगता है मेरे नाक में फ्रैक्चर हो गया है। जानबूझ के नहीं किया मैंने। तुमने मेरे शू सैंपल्स गाड़ी में रखवा दिए? हाँ। क्या तुम वाकई में उन्हें बेचने वाले हो? रे, मुझे तैयार रहना पसंद है डायन। लेकिन लोग इस तरह से शू नहीं खरीदते। जरूर खरीदते हैं। तुम स्पेशल हो फ्रैंक। थैंक्स। ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था। जानता हूँ। रे, हम 7 बजे तक वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें 7 बजे की कॉकटेल पार्टी में इन्वाइट किया गया है। हम 7 बजे तक वापस आ जाएंगे। ये कॉकटेल पार्टी है। टकीला से तुम्हें गैस हो जाती है। नहीं होती गैस, उस दिन की बात कर रही हो, वो तो बीन से हुआ और था। और टकीला की वजह से भी ऐसा लगा जैसे घर में गैस सिलेंडर फट गया है। तो तुम नहीं मानोगी ना? तुमने मुझसे वादा किया था। क्या? यही कि तुम मुझसे बहुत प्यार करोगे और हमेशा मेरी बात मानोगे। वो मुझे याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है कि तुम मेरी बात मानोगी। मुझे चाबी की गाड़ी दो फ्रैंक। तुम क्यों चलाओगी, हमेशा तो मैं चलाता हूँ। अब चलो भी फ्रैंक। ओके, मेरी बात याद है ना, पूरी करना। बाय बाय। हाय। ओह, तुमने मुझे डरा दिया। ऐसे डरोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? यहाँ कैसे? याद नहीं है तुम्हें, हमें वेट के पास जाना क्यों? है। क्यों? तुमने ही तो कहा था, भूल गए क्या? किटकैट के लिए आए हो ना? किटकैट? डॉक्टर की बेटी। वो वीकेंड में क्लिनिक में होती है क्या? हाँ, तुम्हें तो बस मौका चाहिए। ऐसी बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, वो अच्छी है। सिर्फ अच्छी है? वो क्रेपनर बहुत ही अजीब है। वो कर क्या रहा है? शायद बाहर जा रहा है, कहीं शिफ्ट तो नहीं हो रहा। पर ये तो यहाँ 3 हफ्ते पहले ही आया था। कुछ तो गड़बड़ है। ये तो सच में जा रहा है? ओ नहीं, हमें कुछ करना होगा रे। हमें वो सुनने वाला डिवाइस लेकर आना चाहिए। चलो।
हाँ क्रैपनर, तुम्हें जल्दी करना होगा, बहुत ही जल्दी। ओहो, अब ये क्या है? आउच, मम्मी। मुझे लगा मैं तुम्हारे जूतों पर खड़ा हूँ। हाँ, और मेरे पैर मेरे जूतों में ही हैं। तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे अच्छे से संभाल लूंगा। क्या बात कर रहे हो, उस डिवाइस को मैंने छुपाया है या तुमने छुपाया है? बहुत ही अजीब दिख रहे हो। इसे सोशल मीडिया पर मत डालना। मैं तो डालूंगा। खिटखिट ये पिक्चर देख लेगी यार। इसीलिए तो डालने वाला हूँ दोस्त। उस फोन को मुझे दे दो। नहीं दूंगा। पकड़ के दिखाओ। मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं, पर क्या मैं बेबी शावर में इनवाइटेड हूँ? नहीं। क्यों नहीं? मुझे तुम पसंद नहीं हो। ओह, जलता है मुझसे। पर हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? क्योंकि सिक्योरिटी फुटेज ने गाड़ी को ट्रैक किया है और वो गाड़ी यहीं कहीं रुकी है। आईशील 2040 यहीं कहीं है। अब बताओ आगे क्या करना है? हमें मिस्टर क्रिस्पी यहीं मिलेंगे। क्रैपनर? हाँ, तो मैंने भी तो क्रैपनर ही कहा, वो और उसका साथी, वो दोनों यहाँ से दूर, बहुत दूर, दूर एकदम। क्या तुम गाना बंद करोगे प्लीज? हाँ। तो उसे ये चुराने के लिए कितने पैसे मिलेंगे बताओ? पता नहीं, हो सकता है कि वो अरबपति बन जाए। वाकई? हाँ, अरबपति बन सकता है वो इसे। हाँ, तू समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ। मैंने तुझे एक सिंपल सवाल पूछा था जिसका जवाब था 5 या 10 साल की जेल। मैं हैरान हूँ कि तू FBI एजेंट कैसे बन गया। अब तुझे क्या बताऊँ दोस्त, इसके पीछे एक बहुत ही फनी स्टोरी है वुल्फ। पुलिस वाला मैं बचपन से बनना चाहता था। ये फनी स्टोरी नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं शरीफ हूँ। ऐसा तू समझता है? तुझे बता, तू मुझसे इतना जलता क्यों है? क्योंकि मैं तुझसे हर चीज में बेस्ट हूँ, क्रिमिनल्स को पकड़ने से उन्हें छोड़ने तक। तू बस एक करप पुलिस है और कुछ नहीं। सजा देकर कोई फायदा नहीं, उन्हें एक मौका देना चाहिए वुल्फ। अगर उन्हें छोड़ना है तो पकड़ता ही क्यों तू? वो फिर से जुर्म करेंगे, तभी तो हम उन्हें दोबारा पकड़ेंगे। अच्छा, तो ये है तेरी फनी स्टोरी, चोरों को पकड़ना और वापस उन्हें छोड़ देना, ये है तेरा पकड़म पकड़ी का खेल। अच्छा है ना, हमारी सैलरी मिलती रहेगी। फॉक्स, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? वो हाँ, काम पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, मुझे भी वही लगता। हाँ, है। तो ईस्ट से शुरू करते हैं और वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तुझे डायरेक्शन पता है? हाँ, डायरेक्शन का माहिर। ऑलराइट। स्मार्ट लग रहा हूं ना, चलते बनो। लगता है हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं बेलचर, हमें पहले तो लूसी। ओ सॉरी, तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें याद है तुम अपनी मॉम को दिखाना चाहते थे कि तुम जिम्मेदार हो? हाँ याद है। तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। कैसे? हैरी घर से भाग गया। क्या कर रहे हो क्रिपिन, जल्दी करो।
तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया? अरे ये सब क्या है? मेरा फोन उठाओ। हाय मैं क्रैपनो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे कॉल मत किया करो, हमें कोई भी सुन सकता है। वो नहीं रहा। क्या नहीं रहा? मैं घर की सफाई कर रहा था, एक डॉग आया, उसने बोतल गिराई और वो कंपाउंड नहीं रहा। वो डॉग कहाँ चला गया? तुम जानती हो अब हम उसे नहीं देख सकते। क्या वो कंपाउंड उस पर गिर गया? नहीं, दरअसल वो उसे खा गया। उस डॉग को पकड़ो इडियट। मुझे वो डॉग दिखाई नहीं दे रहा, मैं उसे कैसे पकड़ूंगा बताओ? तुम तो बेवकूफी रहोगे, वो फॉर्मूला उसके खून में है, उसके खून को ड्रेन करके उसे रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो क्या तुम उस डॉग को मार दोगी? तो क्या तुम मरना पसंद करोगे क्रैपनर? पहले उस डॉग को पकड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। हाँ ठीक है, चिल्लाओ मत, मैं समझ गया, मैं कर लूंगा। उस डॉग को पकड़ के लाओ। ठीक है, मैं ढूंढने जा रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, डॉग को पकड़ने के बाद क्या हम दोनों डेट पर जा सकते हैं? हाँ तुम्हारे साथ? हाँ मैंने एक अच्छा कैफे देखा है। हाँ हाँ क्यों नहीं। ओ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बीच पर ले जाऊंगा। उससे अच्छा हम बोलिंग कर सकते हैं। बोलिंग? वाव। और जब मैं वहाँ पहुँचूंगी तब तुम्हारी खूब पिटाई करूंगी, क्या तुम समझ रहे हो क्रैपनर? मतलब मैंने डॉग को नहीं पकड़ा तो तुम मुझे छोड़ोगी नहीं? हाँ समझ गया। तो तुम अब भी मुझे बात क्यों कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ, तुम कर रही हो। हमें स्कूल में चेक करना होगा। स्विमिंग पूल में भी तो हो सकता है। तुम दोनों बेकार की बातें करना बंद करो। तो तुम बताओ कहाँ हो सकता है वो? मुझे सोचने दो। क्या मुझे वाकई में इसे खाना पड़ेगा? क्योंकि इसमें बहुत कैलोरीज होती हैं। नहीं इसे मत खाना, समझ जाओ ये किसके लिए है। ओ, अब मैं समझी। क्या समझी? यही कि ये खाना हैरी के लिए है। हैरी को पार्क बहुत पसंद है, अगर हैरी यहाँ नहीं है तो शायद स्कूल में होगा। हे क्या कर रहे हो? चेक कर रहा हूँ ये तीखा तो नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। हैरी, हैरी तुम कहाँ हो? हैरी, हैरी, न जाने हैरी कहाँ चला गया। हैरी तुम कहाँ हो? अच्छा तो वो डॉगी कहाँ है? कौन सा डॉगी? मुझे तो कोई डॉगी नजर नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ कि तुम उसे नहीं देख सकते क्योंकि वो इनविजिबल है। मैंने तो आज तक कोई इनविजिबल डॉगी नहीं देखा। देखो बच्चे, तुम मुझे उस डॉगी के बारे में बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे डैड को बताऊंगा कि तुम मेरे घर में घुसे थे। मेरे डैड तो जेल में है, वो तुम पर यकीन नहीं करने वाले। तुम ऐसा नहीं मानोगे। तुम मेरे साथ जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है क्रैपनो। तुमने मेरे पैसे चुराए बच्चे और मुझे वो वापस चाहिए। मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए। तुम्हारे उस डॉगी की वजह से मेरा कंपाउंड गया, जानते हो वो कितना कीमती था? वो तो चला गया, अब क्या करोगे तुम? मैं उस डॉग को पकड़ूंगा और उसे निचोड़कर उसमें से कंपाउंड निकालूंगा। ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि मुझे उसका खून चाहिए, अगर खून मिलेगा तो ही मुझे पैसे मिलेंगे, समझे तुम? तो एक काम करो, तुम उसका थोड़ा सा खून ले लेना। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसका सारा खून चाहिए। क्रैपनर क्या तुमने कभी सुना है कि ज्यादा लालच बुरी बला होती है? और तुम कुछ ज्यादा ही लालची बन रहे हो। मुझे लगता है तुमने वो कहावत नहीं सुनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब तुम ध्यान से सुनो, तुम मुझे बताओगे वो डॉग कहाँ है वरना अच्छा नहीं होगा। तुमने उसे कंपाउंड से चुराया है ना? हाँ चुराया है। तो फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? सुनो, मैंने उस कंपाउंड को चुराया था पर अब वो तुम्हारे डॉग के पास है,
इसका मतलब अब तुम सब भी मुसीबत में हो, समझे? हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, हमने कुछ नहीं किया है, तुम सब अब बहुत बड़ी मुसीबत में हो। आराम से आराम से, ये रस्सी बहुत टाइट है। hey. मैं पहले स्काउट में था। क्या तुम भी स्काउट में थे? हाँ मैं था, तुम्हें कैसे पता? मैंने स्नॉट से पहचान लिया। किस रैंक पर थे? पहले तुम बताओ। मैंने तुमसे पहले पूछा। मैंने कहा तुम बताओ। स्काई वुल्फ। स्काई वुल्फ? ओ, तो तुम स्काई वुल्फ तक पहुंच नहीं पाए। अब क्या बताऊं, उनको लगा कि मैंने पैसे चुराए थे, वो भी स्कूल के वेलफेयर फंड से। तुम वहां से निकाले गए, बहुत बुरा हुआ। उन्होंने तुम पर इल्जाम लगाया? हाँ, तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा है ना? तुमने वाकई पैसे चुराए थे ना? हाँ। क्या तुम वेबल तक पहुंच पाए थे? हाँ, पर उसके बाद सब गड़बड़ हो गई। हम हैं स्काउट वर्ल्डर्स, दुनिया को हमने देखा कि आपने सपनों को पूरा। स्काउट वर्ल्डर्स, स्काउट वर्ल्डर्स, स्काउट वर्ल्डर्स, चार्ज। वो भी क्या दिन थे। उन मनहूस यादों को कोई कैसे भूल सकता है? उन दिनों को याद करके अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं। I'm sorry, पर अब मैं बदल चुका हूं। क्या करोगे इसका? मेरी साइनस की बीमारी को ठीक करोगे? नहीं बुद्धू, ये है ट्रूथ सीरम स्प्रे। पर क्या ये मेरी साइनस को ठीक करेगा? नहीं, ये तुम्हारे साइनस को ठीक नहीं करेगा। क्या हम दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकते? नहीं, नहीं बढ़ा सकते। मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। वो टाइम हो चुका है। पास। नहीं, इससे तो मेरा साइनस क्लियर हो गया। कितना भद्दा है ये। लेकिन कोई बात नहीं, बस 10 मिनट के अंदर तुम तोते की तरह बुबु बुबु सब कुछ बोलने लगोगे। इस वक्त कौन होगा? कोई होशियारी नहीं। सही सुना, तुम्हें अंदर आने दो। हाँ, क्यों नहीं। Hey, तुम ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहे हो? दरअसल मैंने एक मधुमक्खी देखी और मुझे उससे बहुत ही एलर्जी है, इसलिए। अच्छा, वाकई? हाँ, अगर मधुमक्खी मुझे काट लेती है तो मेरा मुंह बड़े कद्दू की तरह फूल जाता है। हाँ, बचपन में मेरे साथ भी ऐसा एक बार हुआ था। पर ये कद्दू क्या है? कहानियां बंद करो, ये कौन? ये इधर आओ, ये तो मेरा बेटा है। हाय बोलो अंकल को। हाय हाय डैड, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। बाहर? अपने दोस्तों के साथ खेलने। तुम्हें लगता है तुम्हें खेलने जाना चाहिए बेटा? हाँ, इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। वैसे ये लोग कौन है? मैं एफबीआई के एजेंट है। वाओ, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि डैड करेंगे, लेकिन मैं जाते जाते आप दोनों को थैंक यू कहना जरूर चाहूंगा। थैंक यू सो मच। मेरा फ्रेंड। बाय डैड, आई लव यू। मुझसे दूर मत जाओ बेटे, तुम्हारी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। डैड, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप मुझे अभी हर्ट कर रहे हैं। डैड, तुम्हारा ये कामयाब इतना, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। छोड़िए मुझे। डैड छोड़िए, ना आपको तकलीफ हो जाएगी। इनका ख्याल रखिएगा प्लीज। आप रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें पूछना है कुछ सवाल। क्यों नहीं? लैब में एक बहुत बड़ी चोरी हुई है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? हम इसीलिए यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। नहीं तो, मुझे तो किसी के ऊपर शक नहीं हो रहा है।
मैं तो लैब में साफ सफाई करता हूँ और कुछ नहीं करता। अच्छा अच्छा। और हाँ एक बात, शायद इससे मदद मिले, मैंने कुछ लोगों को लैब कोट्स में देखा था, शायद वही होंगे। ओ, लैब में लैब कोट्स पहन गया थे, ये तो बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। साफ सफाई करने वाले का घर इतना आलीशान। ओ बहुत बहुत शुक्रिया, इसके लिए तो मैंने बहुत मेहनत की है, साफ सफाई करके एक एक पैसा जोड़ा तब जाकर ये बन पाया। काफी मेहनत ही हो। पता नहीं हैरी कहाँ चला गया, हमने उसे हर जगह ढूंढा। हाँ अब तो मैं भी थक गया। हाँ, जानती हूँ। तो तुम लोग यहाँ हो, तुम कहाँ थे? मिस्टर क्रैपनर के घर में, उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था और वो इनविजिबल वाली बात सच है। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, उन्होंने मुझे सच में किडनैप किया था। तुम्हें किडनैप किया? हाँ, फिर उन्होंने मुझ पर एक मेडिसिन इस्तेमाल की, फिर वहाँ FBI एजेंट्स आ गए। FBI एजेंट्स? इसलिए तो मैं वहाँ से भाग गया, आज तो मैं बच गया। हे, तुम्हें लगता है हमें FBI की मदद लेनी चाहिए? नहीं, उसने वो कंपाउंड चुराया है, अब वो हैरी को ढूंढ रहा है और कहता है कि हम भी जिम्मेदार हैं। तो हम जेल जाएंगे? हाँ। मैं जेल नहीं जा सकती। तुम्हें तो पहले जाना चाहिए। मैं नहीं, तुम जेल जाओगे। हाँ? वो तो देखेंगे कि पहले जेल जाने का नंबर किसका आता है। हे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ? बस बस, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो बेल्चो। पर तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? तुम उसे उसकी पीठ पीछे मोटी भैंस नहीं कहते हो? क्या ये सच है? नहीं, ये झूठ है। लुई से ब्रेकअप के बाद तुम सिर्फ एक महीने तक केक खाती रही और फूल गई थी, एक प्लम केक की तरह फूल गई थी। बेल्चो, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है यार। ओह माय गॉड। हे, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, पर सच तो ये है कि तुम गधे लग रहे हो। बेल्चो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या? चलो, हो गया है तुम्हें? बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। क्या कर क्या रहे हो तुम? लगता है इसकी तबीयत खराब हो रही है। चलने नहीं आता है। पता नहीं क्या हो गया। क्या हो रहा है तुम्हें बेल्चो? मेरा सर भारी हो गया है। क्या कहा तुमने? ये सब उस बदमाश क्रैपनर के ट्रुथ सीरम की वजह से हो रहा है। क्या कहा? ट्रुथ सीरम। वाकई में? तो क्या तुमने उस दिन मेरे कपकेक्स चुराए थे? हाँ, क्या तुम नेक्स्ट टाइम वनीला ला सकती हो? मैं ऐसा क्यों करूँ? क्योंकि रे की कुकीज खाने के बाद मुझे बहुत भूख लगती है। ये बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? हाँ, वो तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। हाँ, सच में? वो आदमी, वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, तुम्हें उससे बच कर रहना होगा। बेल्चो, क्या तुमने एमी स्टुअर्ट को कहा था मुझसे दूर रहे? हाँ, मैंने उसे कहा था क्योंकि मुझे वो पसंद थी। कितने बुरे हो तुम। ओके, प्लीज प्लीज मुझसे और सवाल मत पूछना, मेरा सर चकरा रहा है बुरी तरह। मन तो कर रहा है तुम्हारे दांत तोड़ दूं। कम ऑन यार, चलो मुद्दे की बात करते हैं, हैरी की। प्लीज मुझसे और पर्सनल शर्मनाक सवाल मत पूछना, प्लीज। ठीक है, नहीं पूछती। तो चलो हेलोइन से शुरू करते हैं। मैं उस दिन उस ड्रेस में कैसी लग रही थी, ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अच्छी लग रही थी या नहीं? मुझे बचा लो, मुझे। आपसे मिलकर खुशी हुई, बाय। इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको फोन करेंगे। बिल्कुल। ये सफाई करने वाले का घर नहीं लगता मुझे। हाँ, बात तो सही है, ये घर बहुत ही क्लासी है, पर पता है क्या, मुझे शक है कि इसे कुछ पता है। हाँ, ये बात तो मैं भी जानता हूँ, पर इसे क्या पता है मुझे नहीं पता। सवाल पूछते वक्त वो इतना नर्वस था, मुझे देख के सभी हो जाते हैं। पर सवाल तो मैं पूछ रहा था, खैर आगे क्या? हाँ, मैं जानता हूँ, लंच करेंगे। अगर वो भाग गया तो? नहीं भागेगा, पहले लंच करते हैं। मैं हूँ ना। उसी बात का डर है, फुक्कड़ कहेगा। तुम्हें लगता है ये ठीक हो जाएगा? हाँ, बस इसे एक ग्लास पानी दे दो, ये ठीक हो जाएगा। लूसी, क्या पानी से ट्रुथ सीरम का असर खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं पता। क्यों ना इसे सोडा या मिल्क शेक दे दे। लूसी, अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। मेरी तबीयत खराब हो रही है दोस्तों। ये क्या कर रहे हो तुम? Yeah.
ओह सॉरी अंकल। क्या किसी को भूख लगी है? तुम जानते हो एक अच्छी सी वॉमिटिंग होने के बाद आप कितना अच्छा महसूस करते हैं। क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुमने मुझे कभी ऐसा कहा था कि रे की सांस बदबूदार है? नहीं तो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ये ठीक हो गया है। मेरी सांस बदबूदार नहीं है दोस्तों। कभी कभार तो होती है। लूसी, एक सलाह दूं तुम्हें, फ्लॉस इस्तेमाल करो, उससे बदबू नहीं आएगी। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हैरी घर चला गया होगा। सही कह रहा है, घर चलते हैं। मैं धीरे चलूंगा ताकि मेरी बदबूदार सांसों से तुम्हें तकलीफ ना हो। ये तो बुरा मान गया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हाँ वो तो है। वो डॉग कहाँ चला गया होगा? मैंने कहा था ना। क्या कहा था? फ्लॉसिंग वाकई में एक अच्छा आइडिया है। चुप रहो। घर के पीछे चेक किया? हैरी वहां नहीं है। ग्रेट। हेलो रे। मॉम हाय। क्या तुम डॉक्टर के पास गए? ओ हाँ, कब का पहुँच गया हूँ। पर मुझे किसी एनिमल की आवाज़ नहीं आ रही, इतना सन्नाटा क्यों है? ओ पता नहीं मॉम, मैं तो डॉक्टर के पास ही हूँ। आवाज करो। कितनी प्यारी किटी है मॉम। मैंने आज तक इतनी मोटी बिल्ली कभी नहीं देखी। मैं सच कह रहा हूँ, और जोर से। सच में? हाँ, काश आप यहाँ होती और इसे देख पाती, बहुत कूल है। ये कैसी आवाज है? एक डॉग यहाँ आ गया है और लगता है हैरी को वो पसंद नहीं। मैं बाद में फोन करता हूँ। हैरी को उससे दूर रखना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा मैं रखता हूँ, मॉम वो लड़ रहे हैं। ओके बाय। ओके ओके बाय बाय, मैं रख रहा हूँ। अब क्या हो रहा है? बताया तो, वो दोनों लड़ रहे हैं, मुझे रखना होगा। मॉम मैं फोन रख रहा हूँ, ठीक है? ओके बाय। ओके बाय हनी। बाय मॉम। सब ठीक तो है ना? हाँ। माय गॉड, जरा उस लड़के को देखो, जरा उसके पैर तो देखो, बिल्कुल जोकर लग रहा है। डायन उसका मजाक मत उड़ाओ प्लीज, ये लड़का अलाबामा का सबसे बड़ा कस्टमर है। सॉरी, पर अलाबामा में क्या सबके पैर ऐसे चौड़े होते हैं? हाँ, उनके पैर बहुत बड़े और चौड़े होते हैं, बिल्कुल एक हाथी के पैर की तरह। बेहतर होगा तुम जाकर उन बड़े पैर वालों से मीटिंग कर लो। डायन प्लीज। हाँ, उनके बारे में ऐसा कुछ मत कहो। पापी 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 मेरे पास आ जाओ। पापी ये देखो। मुझे काट दिया। मैं अब तुझे पकड़ लूंगा मोटी डॉगी। ये डॉगी तो बहुत खतरनाक है, मेरे ऊपर से उतर जाओ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा डॉगी। बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ लगे हो। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत ही गंदा टेस्ट है, ऐसा मत करो प्लीज। ये तुमने अच्छा नहीं किया डॉग। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो परेशान है। मतलब क्या वो पागल है? हाँ। तुझे क्या लगता है वो किसके पीछे भाग रहा है? शैतान के पीछे। तू इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है? मैंने कहीं पढ़ा था शैतान सन के लोगों के पीछे भागता है इसलिए। ओके, तो वो शैतान के पीछे क्यों भाग रहा है? अब मुझे क्या पता। शैतान को देखकर लोग भाग जाते हैं। गॉडज़िला को देखकर भी तो लोग भागते हैं। वैसा फिल्मों में होता है। सच पर आधारित थी। गॉडज़िला?
हाँ, सच्ची कहानी, जिसने शहर को तहस नहस कर दिया। ट्रू स्टोरी। ओ वल्फ, तुम भी ना हद करते हो, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या तूने वो आवाज सुनी? हाँ शायद मैंने सुनी। मुझे लगता है इसे पागलपन का दौरा पड़ा है। एक मिनट, मैंने भौंकने की आवाज सुनी। हा? या फिर वो डॉग का पीछा कर रहा है। तुझे नहीं लगता है कि वो पीछा कर रहा है इनविजिबल डॉग का? तो क्या हम उसका पीछा मुझे करें? क्या पता, क्या वो एक इनविजिबल डॉग का पीछा कर रहा है? क्या वही तो पता लगाना है हमें। तो अब हम क्या कर रहे हैं? ओके, हम डॉग के भौंकने की आवाज फोन पर रिकॉर्ड करेंगे, उसे ऑफिस में भेजेंगे, उसके ब्रीड का पता लगाएंगे, लाइसेंस चेक करेंगे और मालिक का पता लगाएंगे। मेरे साथ रहके तू भी स्मार्ट हो गया है। और फिर इस उल्लू का क्या करेंगे? इसका घर तो हम जानते ही है। ऑलराइट। जो भी है, पर बहुत क्यूट लग रहा है। सॉरी। मिस मेंडिस, आप यहाँ कैसे आईं? मैं पीछे के दरवाजे से आई हूँ। वाह, आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। कुछ ऐसा कहो जो मैं नहीं जानती। आपके दांत मोती जैसे हैं। मैं वो भी जानती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैं फ्लॉसिंग करती हूँ, जो बहुत ही अच्छी आदत है जो तुम नहीं करते। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुमसे? मेरी गलती नहीं है, वो उस डॉग की गलती है। और वो डॉग कहाँ है? मुझे क्या पता, बाहर होगा कहीं। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे बात कर रहा हूँ। ओ हाँ, क्यों नहीं, क्यों ना हम बैठ के गप्पे लड़ाएं, चाय पिए, क्या कहते हो? चाय मगर अदरक वाली। घर पर कुकीज होंगे ना, हम कुकीज खा सकते हैं। ओ, मैं आपको लो कैलोरीज वाली कुकीज दूंगा। मुझे कुकीज नहीं खानी, तुम्हें कुकीज की पड़ी है क्रैपनर। लेकिन तुमने ही कहा तुम्हें कुकीज पसंद है। तुम क्या बकवास कर रहे हो क्रैपनर? क्या बताऊं, आज का दिन ही खराब है। पहले तो वो डॉग, फिर वो कंपाउंड खत्म हो जाना, और वो मोटा लड़का, उससे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। ओ, तो शायद तुम भूल गए कि इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। वो क्या? मैं तुम्हारा सर तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी। मुझ पर रहम करो, मुझे माफ कर दो। मुझ पर रहम करो, मुझे माफ कर दो। हरगिज नहीं करूंगी। मैं बहुत साल जीना चाहता हूँ, बीवी, बच्चे, बड़ी गाड़ी, बहुत सारे सपने हैं मेरे। इसलिए ये बताओ, वो डॉग किसका है? पड़ोसी के कुछ बच्चों का। मैंने उस मोटे लड़के को पकड़ लिया था, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल गया। तुमने उसे जाने दिया? मैं क्या करता, पुलिस आ गई थी। हा? तुमने मुझे कोई पुलिस के बारे में नहीं बताया था। हाँ, वो एक्चुअली पुलिस नहीं थी, वो तो FBI से थे। क्या, FBI? तुमने मुझे किसी FBI के बारे में नहीं बताया था? ओह गॉड, यकीन नहीं हो रहा मुझे। मैंने नहीं बताया था, शायद मैं भूल गया होगा। वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे? वो लोग उस कंपाउंड को ढूंढ रहे थे। उन्हें कैसे पता कि कंपाउंड यहाँ पर है? पता नहीं। नहीं, उन्हें पता है, उन्हें पता है कि तुम इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको तो मेरा नाम भी नहीं पता। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो क्रैपनर, बाहर जाओ और अभी उस डॉग को ढूंढो, जल्दी जाओ। जा रहा हूं। क्या तुम साथ नहीं आओगी? नहीं। क्या मैंने उस फॉर्मूला को घुमाया है? नहीं, वो तो मैंने ही घुमाया है। हाँ, अब जाओ और उस कंपाउंड को ढूंढो, इसके पहले कि वो FBI को मिल जाए। निकलो। हाँ, जा रहा हूं, जा रहा हूं। इडियट, बेवकूफ कहीं का। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूं। मैं स्पेशल एजेंट वुल्फ। और मैं स्पेशल एजेंट फॉक्स। हम FBI से हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें आपके डॉग फ्लफी के बारे में जानना है। फ्लफ,
माफी अब नहीं रही। क्यों 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 फ्लफी, तुम उसके सामने भागी ही क्यों, उस टीम रोलर के सामने? मुझे माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। वो मेरी खास दोस्त थी। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है ना? वो तो पता चल ही रहा है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, आपके साथ वाकई बहुत बहुत बुरा हुआ। पर अब भी वो मेरे पास है। ओ, आपने तो कहा था वो मर गई है। मर गई वो, पर वो अब मेरी नेक पिलो है। उससे मेरी गर्दन पर सोना बहुत पसंद था। ये तो भयानक है। बस उसकी यादें हैं। उसकी महक अब भी मेरे कमरे में है। मुझे रोना आ रहा है। रुकिए, जादू के झोंक में लो। आ जाओ आ जाओ। सच बताऊं तो मुझे तो अब भी ऐसा लगता है। मैं समझ सकता हूं आपको कैसा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि अभी वो मेरे कानों को लिख कर रही है। आप कितनी अनलिखी है। मैं थक गया हूँ यार, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता मैं हैरी को कभी ढूंढ पाऊंगा, सब खत्म हो गया। रे, तुम्हारी मॉम सही कह रही थी कि तुम क्या कि तुम गैर जिम्मेदार हो। लूसी, तुम किसके साइड हो? तुम हार कैसे मान सकते हो? रे अंडरवुड कभी हार नहीं मान सकता। ठीक है तो बताओ क्या करे। हम कुछ मिसिंग डॉग पोस्टर्स लगा सकते हैं। और हम उन पर क्या मेंशन करेंगे जरा बताओगे? ये लिख देंगे कि वो दिखाई नहीं देता है। अगर हमने हैरी को ढूंढ भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी मॉम यहाँ आएंगी और उसे देख ही नहीं पाएंगी। मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। Well, अब खुद के पेट को इनविजिबल बनाने की ना जाने क्या पनिशमेंट दी जा सकती है। अब तुम्हारा क्या होगा दोस्त? पर वो कहाँ जा सकता है? एक मिनट, वो देखो, वो वहाँ है। हैरी, मेरे दोस्त, यहाँ। ओ, शुक्र है तुम मिल गए। ओके, तो हैरी हमें मिल गया, अब हम आगे क्या करें? क्यों ना हम इसे नहला दे। अच्छा आइडिया है। ये काम नहीं कर रहा, अब क्या करें दोस्तों? मेरे पास एक आइडिया है। आप लोग कौन हैं? हम एफबीआई से हैं। तुम दोनों मुझे पहचाना? लाडला बेटा, रेमंड अंडरवुड। बोलिए। मैं जान सकता हूँ कि तुम एक इनविजिबल डॉग को वॉश क्यों कर रहे हो? कौन सा डॉग? यही जो सामने है। ओ, ये तो एक बढ़िया कहानी। ये कहानी हवालात में चलकर क्यों नहीं सुनाते? नहीं, और कभी, आज मैं बहुत बिजी हूँ। देखो, हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। हमारी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? नहीं समझ आ रही, आप समझा दो। यही कि हम तुम्हें अरेस्ट करने वाले हैं। हे, पर आप हमें किस जुर्म में अरेस्ट करेंगे जरा मुझे ये बताएंगे? रुक जाओ बच्चे, ज्यादा जबान मत लौड़ाओ, पीछे जाओ पीछे जाओ। ठीक है, जैसा आप कहें। चलो रे, निकलते हैं। हाँ, हमें चलना चाहिए। जाओ, तुम कहाँ पर निकल रहे हो? घर, मुझे बहुत भूख लगी है। यार राइट। आप अंडर अरेस्ट हो। जरा रुको, मैं जेल नहीं जा सकती, मैं सिर्फ 13 साल की हूँ और मुझे घर जाके गेम भी तो खेलना है। इन्हें अरेस्ट करो। वो वाकई बढ़िया है। हमने क्या किया? क्योंकि तुम दोनों लड़के हो तो हम लड़के हैं इसलिए हमें अरेस्ट करना चाहिए। हाँ, तुमसे कितनी बदबू भी आती है। ये बात तो सही है, पर हमें अरेस्ट नहीं कर सकते, हम अभी छोटे बच्चे हैं। हमें मत सिखाओ, हम FBI हैं, हम जिसे चाहे अरेस्ट कर सकते हैं, फिर चाहे हम इस घास को अरेस्ट करें या फिर तुम्हारी शू लेसेस को। सॉलिड डायलॉग मारा ना। ये लोग सही कह रहे हैं रे, ये लोग FBI से हैं और कुछ भी कर सकते हैं। देखो, हमने कुछ नहीं किया है। वो हम बाद में छानबीन करेंगे। चलो अब फॉक्स डॉग को ले लो। ओके। मुझे जेल नहीं जाना, मुझे अपने बॉडी पर टैटूज नहीं बनवाने हैं। जेल में टैटूज नहीं निकालते। मुझे पता है जेल में क्या होता है। अच्छा, चलते रहो। चलो आजा। ये तो क्या कर रहा है? इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ वुल्फ, इसने तो मुझे पूरी तरह से गीला कर दिया। ऐसा ही चाहिए तुम्हें। ऐसा लग रहा है मैं होली खेल के आया हूँ। ठीक से पकड़ो, कहीं वो भाग न जाए। ये बहुत ही स्लिपरी है। रुको, मेरा फोन गिर गया। उठा ना उसे। मैं कैसे उठाऊं, मेरे हाथ में तो ये है। यहाँ पर क्या कर रहा है? ये वही है जिसने मुझे। हेलो, हेलो। हमें कुछ करना होगा। मैं कुछ थोड़ी ना मालूम था। गुड नाइट। गुड नाइट अभी? बच्चों को पकड़ो जल्दी। नहीं, बच्चा, बच्चा।
बढ़िया जगह है। उन्हें पकड़ के रखना। कौन हो तुम? मैं हूँ एक बुरी बला। बुरी बला के साथ खूबसूरत भी। थैंक यू क्यूटी पाई। और अब मैं तुम्हारे डॉग का खून चूसने जा रही हूँ। क्या? अगर तुमने उसे बांध के रखा होता तो ये नौबत नहीं आती। देखो, आपको जो चाहिए था आपको मिल गया। अब हमें जाने दीजिए। अब नहीं, तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुमने बहुत कुछ देख लिया है। मैंने कुछ नहीं देखा है और ये तो बेवकूफ है, ऐसे कुछ याद नहीं रहता। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये सब क्या है, ये कौन सा शहर है? मुझे बेवकूफ समझ रखा है तो इस डॉग का खून चूसने के बाद मैं तुम सबको मार दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, कौन हूँ मैं एक बुरी बला। देखो दूसरे रास्ते भी हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये वाला सबसे ज्यादा पसंद है। हम बात नहीं कर सकते? बात करनी चाहिए। हाँ, मुझे बात करना पसंद है। गपशप के साथ कॉफी, स्ट्रॉबेरीज, बिस्किट्स। तुम्हें बिस्किट पसंद है? हाँ। ठीक है, तो हम बिस्किट खाएंगे और बात करेंगे। चलो तो अभी करते हैं। तो पहले कौन मरना पसंद करेगा? अरे हम तो बात करने वाले थे। तुम क्या बात करना चाहते हो? कि हमें मत मारो प्लीज। नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है। पर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? बच्चों को जाने दो, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। ओ, मुझे माफ कर दो, मुझे याद ही नहीं था कि तुम यहाँ के इंचार्ज हो। क्योंकि अगर तुम हो तो तुम हमारी वाली डेट भूल जाओ। डेट? ये कमाल का था। ये तो तुम दोनों से भी ज्यादा गया गुजरा है। एक बार और। शट अप। उस डॉग को वहां बांधो और उस खून चूसने वाली मशीन को जल्दी ले आओ, अभी जल्दी। ठीक है ठीक है। आवाज़ में मुझे क्या पता, शायद हम बेहोश हो गए थे। बच्चों ने बेहोश किया। ओ, याद आ गया, उस खूबसूरत परी ने हमें बेहोश किया था। उस लड़की ने हमें बेहोश कर दिया था, क्या बता रहे? बहुत प्यारी थी। अच्छा, वो डॉग और बच्चे कहाँ हैं? और वो क्लीनर भाग गए डॉग के साथ। अब हम क्या करें? एक मिनट रुको। क्या करे हो तुम? मेरा फोन। नहीं है क्या? शायद वो लोग ले गए। बढ़िया, अब हम उन्हें पकड़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि मेरे फोन में सर्च फीचर ऑन है। अरे हाँ, एक काम कर, तेरा फोन दे। चल जल्दी कर। ये ले। क्या हुआ? लोकेशन पता चल गई। देखा मेरी स्मार्टनेस कितनी काम में आती है। मिस मेंडिस, क्या लगता है डॉग रो रहा है? तो
तो उसे पता है कि कुछ गलत हो रहा है। तो अब तो ये भी जानता होगा कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, समझ गए? हमें किसी जानवर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ओह, तुम्हें तो बहुत बुरा लगा होगा ना? हाँ, तुम कई दिनों से मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हो। और अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें उस मशीन से कनेक्ट कर दूंगी। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जरा ये देखो। क्योंकि मुझे मेरी कार्निवरस फ्लावर्स की प्यास बुझाने के लिए खून चाहिए। तुम्हारे पास कार्निवरस फ्लावर्स हैं? हाँ बिल्कुल, वो परफेक्ट है जैसे कि मेरे दांत। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। क्या मैं तुम्हारे दांतों को किस कर सकता हूँ? नहीं, अपना काम करो। हाँ मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो बस यही सोच रहा था कि कार्निवरस फ्लावर्स मिलते कहाँ हैं। मेरे यूक्रेनियन हस्बैंड ने दिए। क्या तुम शादीशुदा हो? इसका मतलब हमारे बीच जो संबंध है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ। तुम दुखी हो? और नहीं तो क्या? बताओ मुझे। बताए तो सही। अब बकवास बंद करो और काम करो। मैं इस वक्त बहुत दुखी हूँ, ऐसा हालत में काम नहीं कर सकता। प्लीज अपना मुंह बंद करो। अब हम क्या करेंगे बेल्चो? हाँ? अब सिर्फ न्यूक्लियर ऑप्शन ही काम मैंने आएगा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उस किस्से के बारे में याद मत दिलाना। तुम्हें करना होगा। मैं सब कुछ भूल गया हूँ। कोई रास्ता नहीं है। मैंने कसम खाई थी कि मैं नहीं करूँगा, इसमें खतरा है। जान बचाने के लिए यही रास्ता। जानता हूँ, तुम ये कर सकते हो। एक बार शुरू हो गया तो मैं रुक नहीं सकता। करना तो पड़ेगा ही बेल्चो। पर लूसी के सामने कैसे? अगर कुछ करने से हमारी जान बच सकती है तो तुम्हें करना चाहिए। मत सोचो कि यहाँ पर मैं हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाने वाली। सच में? हाँ, इसीलिए ज्यादा मत सोचो और हमारी जान बचाओ प्लीज। सच कहने का शुक्रिया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। यू वेलकम, अब जाओ भी। ठीक है, ये बहुत बुरा हो सकता है। क्यों? मैंने कल बहुत गलत सलाद खा लिया था। मेरा चेहरा जल रहा है। प्लीज उसे कोई रोको। ये कैसी बदबू है? मुझे तो सांस भी लेने में मुश्किल हो रही है। कोई रोको। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम नहीं जानती ये कितना एम्बैरेसिंग हो सकता है। चलो हैरी को पकड़ते हैं, चलो। किधर जा रहे हो? तुम्हें लगा तुम बच जाओगे? क्यों? मुझे पूरा यकीन है। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगी। मैं दिखने में बेवकूफ हूँ पर हूँ नहीं। हेलो, हमें कवर बैकअप चाहिए। ये क्या कर रहा है? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ओह नो! चलो अब चक्की पीसिंग। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें लगता है कि हम डेट पर जा पाएंगे? कब? 25 साल बाद? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हटो यहाँ से, क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी यही गदा बहुत पसंद है। कोई रोको, हटो। तुम्हें देखते ही मुझे किस करने का मन करता है। जी कर रहा है तुम्हारे सीने में खंजर घुसा दूँ, समझ गए? तुमने फिर मुझे दुखी किया। दूर रहो। तुम्हें अरेस्ट नहीं करें हम। ओ सच में? उसने कहा कि इस सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। क्या सच में? वो कितना अच्छा इंसान है। हाँ बदमाश है पर दिल का बुरा नहीं है। बच्चे मत बनो। अब लेकिन इस बार वो बाजी मार के पैसे कमा सकता था। देखा लूसी, मैंने कहा था ना। हाँ, क्या अब हम ये डिस्कस करना बंद करें? बस एक सवाल पूछना है। हमें मेंडिस के चेले के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। उसने कहा कि तुम लोगों ने कोई ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वो अब तक सदमे में। क्या इस्तेमाल किया? आप एक डेमो देखना पसंद करेंगे? श्योर। नहीं। मम्मा।
हम घर पहुंचने ही वाले हैं। मॉम, मुझे लगा आप देर से आएंगी। नहीं, मैंने एक लेडी का मजाक उड़ाया जिसके मोटे पैर, चौड़े पैर। हाँ, चौड़े। और तुम्हारे डैड को लगा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो बिल्कुल डक जैसी दिख रही थी। अच्छा, आप लोग कहाँ पहुँचे हैं? बस 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। ग्रेट, जल्दी मिलते हैं। सी या। फंस गए। क्या हुआ? मेरी मॉम घर पहुँचने वाली है। मैं घर पर नहीं हूँ और हैरी इनविजिबल है। चलो फिर घर चलते हैं। इसे बख्श दो। काम वो से। तो है। दिलासा देने के लिए शुक्रिया। क्या उन FBI एजेंट्स ने तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दी? नहीं, वो तो बस फॉर्मूला के गायब होने से ही खुश थे। हे, वो देखो। हैरी, सब ठीक हो गया? मैं बहुत खुश हूँ। कहाँ चले गए थे? गुड डॉग। ले ले ले। रे, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? बोल दूँ? हाँ, जल्दी बताओ मुझसे क्या कहना चाहते हो। बात ये है कि तुम डॉक्टर के पास गए ही नहीं। मैंने उन्हें फोन किया था और ना ही तुमने कोई दूसरा काम किया। देखो मॉम, एक प्रॉब्लम हो गई थी। रियली? बताओ क्या प्रॉब्लम हुई थी। ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये बात है तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी। लेकिन मैं क्यों जवाब दूं? आप मेरे पेरेंट्स नहीं। सही कहा, पर हो तो रे के दोस्त थे। लूसी, मेरे पास तो देखिए भी मत। क्यों ना देखो? मॉम, ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये तुम पहले भी बता चुके हो। मैं देखता हूँ। सर जी, कहिए। आप लोग कौन? स्पेशल एजेंट वुल्फ। और मैं हूँ स्पेशल एजेंट फॉक्स, FBI। FBI? ओह नो, रे ने अब क्या किया? इन्होंने कुछ किया है तो मेरे पास लॉयर के लिए पैसे नहीं है। लॉयर के लिए पैसे नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हें रखना पड़ेगा। बच्चों की गलती नहीं है। गलती नहीं है? नहीं, आपके बेटे का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। किस लिए? दरअसल मिस्टर क्रेपनर, आपका जो पड़ोसी है वो एक शातिर अपराधी था जिसने गवर्नमेंट के सीक्रेट्स चुराए थे। हमारा पड़ोसी? हाँ, आपका पड़ोसी। और आपके बेटे और उसके दोस्तों ने उसे अरेस्ट करने में हमारी मदद। मेरे बेटे ने? हाँ, और हम फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ, ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम देश की रक्षा के लिए इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पर इसने ये सब किया कैसे? वो मैं आपको नहीं बता सकता। नेशनल सिक्योरिटी और रे भी आपको ये नहीं बता सकता। पर ये मेरा बेटा है। मैडम, हम कानून के बंदे हैं। सही कह रहा है ये, इससे जबान मत लड़ाना, इसके पास हथकड़ी है। हाँ, और इनके पास लॉयर के लिए पैसे नहीं है। मजाक कर रहा है। सही कहा। जानता हूँ। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मेरा बेटा जिम्मेदार हो गया है? हाँ। पर ये डॉगी को डॉक्टर के पास नहीं ले गया? वो देश की सेवा कर रहा था मैडम। फिर तो मुझे आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहिए। हाँ।
क्या मैं आपके बैचेस फिर से देख सकती हूँ? हाँ जरूर। ओह माय गॉड, ये तो असली एफबीआई है। हाँ हाँ। वैसे तुम लोगों को सैलरी कितनी थी? ठीक था। उसके अलावा नहीं, वो सब बस पे करो फ्रैंक। अरे तुम्हारा थैंक्स। हे, क्या आप लोग मेरे घर पर आकर मेरे पेरेंट्स को यही कह सकते हैं मुझे मेरे रूम के लिए टीवी चाहिए और वो आप ही दिला सकते हैं? नो प्रॉब्लम। और तुम्हारा? दोस्तों देखिए, मेरे घर पर पुलिस का स्वागत भी नहीं होगा। मॉम आपको देखकर बस खड़ी रहेंगी और ये मान लेंगी कि वो दोषी हैं, इसलिए सोचेगा भी मत। बच्चे अब रुलाएगा क्या तू? तो मॉम, क्या अब मैं जिम्मेदार हो गया हूँ? इसमें कोई शक नहीं बेटा। ग्रुप हग, ग्रुप हग। उनका ग्रुप है। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो वेल डन। तुम मुझे बाहर हग करोगे? Best friend, I'll always be there. Nothing can make us stop, we got it on lock. You are my best friend, I'll always be there. Nothing can make us stop, we got it on lock. Got it on lock. When I fall down, my life has turned blue. I go on outside and hang there with you. You seem to know that sometimes it gets rough. Best friend, you've always been there. Best friend is forever, I'm not going nowhere. You are my best friend, we're never gonna stop. Best friends forever, we got it on lock. It is a new day, the sun is in the sky. There are some puff clouds waving bye-bye. There's nothing better. It's so empty where you might have been. You are my best friend. Best friend, I'll always be there. Nothing can make us stop, we got it on lock. You are my best friend, we'll always be there. Nothing can make us stop, we got it on lock. You are my best friend, you'll always be there. Best friends forever, I'm not going nowhere. You are my best friend, we're never gonna stop. Best friends forever, we got it on lock. We got it on lock. When I look out my lonely window, I see a world that is closing in. The sun now it's all